करो हीरोपंती और करो स्टंट। कुछ लोगों को आदत होती है ना भाई कि हमें सोशल मीडिया पर छाना है, शाइन लाइक अ स्टार। अरे बनो तारा, कौन रोक रहा है तुम्हें। लेकिन कुछ ऐसा भी ना कर दो कि सच में आसमान में तारे को देखकर तुम्हें याद करना पड़े। ये स्टंटबाजी जो चल रही है ना आजकल सोशल मीडिया पर, ये किसके लिए की जाती है? आप लोग भी इस बात से वाकिफ है, हम भी वाकिफ हैं। क्यों होता है सब? क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होना होता है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि भाई तुम वायरल तो होने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि आपके जो कारनामे वायरल हो रहे हैं, पुलिस को भी दिखते हैं जी। पुलिस के जो हाथ है, मतलब कानून के जो हाथ है, वो लंबे हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है यूट्यूबर अरुण पनवार के साथ। आपको पता है, हाँ ये वही हैं जिन्होंने महिंद्रा की गाड़ी को झरने के नीचे रख दिया था और सनरूफ से पानी बरसने लगा था और सोशल मीडिया की दुनिया पर ये एक वक्त के लिए छा गए थे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना जमकर वायरल हुआ था कि ऑलमोस्ट सब ने ही उसे देखा होगा। इस पर भी आएंगे, लेकिन आपको बताएं कि इन्होंने अब क्या किया है। अपनी YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल उन्होंने दिया यूपी पुलिस सीज्ड आर फोर्ड एंडेवर, यानी कि यूपी पुलिस ने हमारी फोर्ड एंडेवर को जब्त कर लिया है जी। वीडियो ये था कि उन्होंने ड्रैग रेस का वीडियो अपलोड किया था और उसमें फोर्ड एंडेवर और एक और गाड़ी के बीच में रेस हो रही थी। और फिर पता क्या हुआ, वीडियो अपलोड करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कॉल आ गया। किसका कॉल आया? नोएडा पुलिस का कॉल आया। उन्होंने क्या किया था बेसिकली, किसके लिए नोएडा पुलिस का कॉल आया, वो इसलिए आया था, खाली रोड थी जी। अब खाली रोड है, गाड़ी है और लड़के हैं, तो ओवर स्पीडिंग कैसे ना करें। खाली रोड पर रेस लगा रहे, वो भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ऊपर। गाड़ी तो सीज नहीं हुई, लेकिन रेस ड्राइविंग के लिए भाई 5,000 का चालान जरूर कट गया। तो ये खबर सुनकर आप भी थोड़ा स्टाइल कम मारिएगा, वरना आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। चलिए अब ये तो रही उनकी बात की, हाल ही का मामला क्या था। इससे पहले भी एक मामला नहीं हुआ, मतलब सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल हुई, वो थी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एसयूवी की। मतलब वो 30 सेकंड का वीडियो था जो कि बहुत वायरल हुआ था, जिसमें इस गाड़ी के सनरूफ लीक होने का मामला सामने आया था। एसयूवी को एक झरने के नीचे खड़ा किया गया, जिसके तुरंत बाद ही कार के अंदर पानी भरने लगा, जिसने अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खूब चर्चा बटोरी। जहाँ कुछ लोग कार की सनरूफ क्वालिटी खराब बता रहे थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने यूट्यूबर पर सवाल उठाते हुए उनकी गलती बताई। यूट्यूबर्स क्या करते हैं आजकल, सोशल मीडिया पर वायरल होना होता है ना, तो ऐसे ही कुछ कारनामे करते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसे ही कारनामे करने चाहिए जो कि एक अच्छे एग्जाम्पल सेट करें, ना कि कोई गलत एग्जाम्पल सेट करें। आप इस बात पर ज़रूर एग्री होंगे। फिलहाल आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप कार के शौकीन हैं, आपको कौन सी कार सबसे ज़्यादा पसंद आती है, कौन सी कार आपकी फेवरेट है, हमें कमेंट करके बताएं। और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़बुक के साथ जुड़े रहें।